10th May 2020। अपने गूगल कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज मुझे अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए पैकिंग करनी थी, बट कोरोना वायरस। ऐसा लगता है कि भूल ही गया हूँ कि नॉर्मल क्या था। सो आई ट्राई टू रीलिव अ स्टोरी जब सब नॉर्मल था। माय सोलो ट्रिप टू मनाली। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और एक दो दिन चंडीगढ़ में बिताएंगे और वहाँ से हम जाएंगे मनाली। सुना है मनाली में स्नोफॉल हो रही है और काफ़ी पूरा मनाली बर्फ़ से ढका हुआ है, तो ज़रा जाके देखते हैं कि हालचाल कैसे है मनाली के। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंडीगढ़। करीब 5 घंटे की ड्राइव है चंडीगढ़ की दिल्ली से, तो फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लंच करने के लिए मैं रुका हूँ सामने बीकानेर हाईवे पर, बीकानेर वाला। तो अभी लंच करने चलते हैं, यहाँ पर दाल रोटी खाएंगे। तो अभी कर लिया हमने लंच, अच्छा था लंच। 230 रुपये लगे, एक थाली ऑर्डर करी थी मैंने और अंदर से एम्बियंस भी अच्छा था रेस्टोरेंट का। अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और कॉफ़ी पीने के बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो मैं GTE रोड पर हूँ, ग्रैंड ट्रंक रोड, और सामने टोल है और यहाँ पे बहुत ही जाम लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कौन सी लेन में जाना है, बहुत कियोस है सामने। सो मेरे प्यारे दोस्तों, करीब पिछले 5-6 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, 5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, चंडीगढ़ पहुँचने वाला हूँ। आधा घंटा बचा है चंडीगढ़ पहुँचने में। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। रात के 8 बज गए हैं, ये वैसे डिनर का टाइम होता है, लेकिन आज लंच थोड़ा लेट हुआ तो इतनी भूख नहीं है। बट एक कप चाय पीते हैं और जरा अपने पैरों को सीधा करते हैं, काफ़ी थकान हो गई है। थैंक यू। तो जी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और हम चेक इन करेंगे। माय रूम लुक्स प्रीटी गुड। एंड लॉकर, माय लगेज, वॉशरूम। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं रूम से व्यू कैसा दिखता है। कर रहा हूँ चेकआउट और आ गई है मेरी गाड़ी। हम चलेंगे सुखना लेक की तरफ। थैंक यू गुरविंदर जी। तो चलो जी चलते हैं फिर। ओ जी चंडीगढ़ की रोड बड़ी चंगी है, अच्छी
ज्यादा गड्ढे वड्ढे नहीं है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। अरे जी, हमारा होटल भी दिख रहा है राइट में। इस होटल का नाम मेरे पिताजी के नाम पे रखा गया है, द ललित। बहुत साल पहले गया था जी मैं सपना लेक, अब देखते हैं कैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं जी। आ गए हैं सपना लेक, राइट साइड है मेरे सपना लेक है। मैं अब जरा पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, पार्किंग मिल जाए। तो ये है जी मेरे पीछे चंडीगढ़ का मशहूर लेक, सपना लेक। मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक हमें बोट मिल जाए और एक जरा थोड़ा लेक घुमा दे भाई। कुछ 400 रुपये इसकी टिकट है सितारे की, इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, बट मैं अकेला हूँ तो अकेला बैठूंगा और एक साहब बैठेंगे जो सितारा चलाएंगे। कौन चला रहा है, आप चलाएंगे? चले फिर आगे बढ़े। What a wonderful world. What a wonderful world. तो जी हम सुखना लेक में और पीछे अशोक कुमार जी सितारा चला रहे हैं। आज हवा थोड़ी तेज है तो अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेक के किनारे किनारे चलाएंगे। तो ये थी जी हमारी सुखना लेक में बोटिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि रॉक गार्डन की तरफ जाऊँ या फिर मनाली की तरफ जाऊँ, जो 8 घंटे की ड्राइव है और ऑलरेडी 2 बज गए हैं। अगर मैं अभी निकलूँगा तो 10-11 बजे तक पहुँच जाऊँगा मनाली। मनाली में काफ़ी ठंड है, बर्फ गिरी हुई है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ रात को गाड़ी चलाना। बट चंडीगढ़ आए हैं तो रॉक गार्डन देखना तो एक बार बनता है। तो चलो फिर रॉक गार्डन की तरफ चलते हैं। सर एक टिकट चाहिए। ये खिड़की इतनी छोटी क्यों है, फिर कारण है इसके पीछे? थैंक यू जी। भाई साहब कह रहे थे कि आपको अंदर पता लग जाएगा कि जी टिकट काउंटर इतना छोटा क्यों बनाया हुआ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे हैं, इसलिए वो टिकट काउंटर पे जो साहब बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि टिकट काउंटर का दरवाजा इतना छोटा क्यों है। और ये रहा चंडीगढ़ का मशहूर रॉक गार्डन। अब आगे की तरफ चलते हैं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मनाली की तरफ। तो फिर चलो पार्किंग की तरफ चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मिल गया, हमने ऑर्डर करा है दाल और रोटी। यहाँ पे व्यू अच्छा है। शाम के 6 बज गए हैं, अंधेरा हो गया ऑलरेडी, और अभी 6 घंटे की ड्राइव बची है मनाली तक की। अगर मैं अभी भी चलाऊंगा नॉन स्टॉप तो रात के 12 बजे पहुंचूंगा। देखता हूँ 2 घंटे और गाड़ी चलाता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ रुके, गाड़ी और चलाएं या फिर कहीं रात को स्टे कर लें, और फिर कल सुबह मनाली पहुँचने की कोशिश करेंगे। मेरी चाय ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, आगे बढ़ते हैं। चेकआउट कर रहे हैं हम अपने कमरे से आज, अभी ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, 12 बज रहे हैं। मैं थोड़ा काम करने लगा था, स्टॉक मार्केट आज में उछाल आया है,
काफ़ी बढ़िया। बैग हमने पैक कर लिए हैं, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 3 घंटे की ड्राइव है मनाली तक की। और वैसे मेरी खिड़की से मंडी शहर वाली सब्जी मंडी नहीं है, मंडी शहर हिमाचल प्रदेश के चौक का व्यू दिखाई दे रहा है मेरे कमरे से। लेट मी ट्राई टू शो यू। ये पूरा मंडी शहर है सामने, काफ़ी बड़ा है, कंजेस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो जी चेकआउट कर लिया है हमने, हम मनाली की तरफ जा रहे हैं। दाढ़ी भी बनवा ली सुबह सुबह, बाल कटवा लिया, हेड मसाज ले ली। अब 3 घंटे की ड्राइव है मनाली तक की, तो फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी के पीछे 1, 2, 3, 4 गड्डियाँ और लगी हुई हैं, टाइम लगेगा यहाँ पर थोड़ा। वो जी जाम लग गया है यहाँ पे, मेरे राइट में गाड़ियाँ हैं, इस तरफ पीछे गड्डियाँ हैं और सामने गड्डी हैं। तो मेरे राइट साइड में एक डैम है, इस डैम का नाम है पंडो डैम। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है मेरे सामने, बर्फ से ढके हुए। अब लग रहा है कि कोई खूबसूरत जगह आया हूँ मैं, और साथ में नदी बह रही है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। तो मैं अपने होटल पहुंच चुका हूँ और गलियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं। 7 बज रहे हैं शाम के और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो गया। और जिस जगह मैं रुका हूँ, उस जगह का नाम है लारिसा रिजॉर्ट। अब अपने कमरे की तरफ मैं जा रहा हूँ, अंधेरा काफ़ी है। एंड दिस इज माय रूम। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। मैं आपको अपने कमरे में बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। तो बर्फ, पहाड़, पैराग्लाइडिंग के साथ ये नज़ारे देखते हैं पार्ट 2 में मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।